हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिज्म। तो गाइस, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, इसको मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए 22 सितंबर 2019 को सिर्फ फर्स्ट में पेपर हुआ है। जो इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो 360 नंबर के क्वेश्चन हैं, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स हैं। तो मैंने इस वीडियो में जो भी 120 क्वेश्चन है, उसमें से एटलीस्ट 100 प्लस के ऊपर जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए हुए हैं। और जो भी यदि बाई चांस एक या दो, कभी कभी कुछ क्वेश्चन के आंसर हैं जो बाय मिस्टेकन गलत हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग करेक्ट आंसर बता के प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जिन भी लोगों को ये चैनल और इसके वीडियो पसंद आए, देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नर्सिंग ऑफिसर 22 सितंबर 2019 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ है मैंने। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन एलर्जी। तो एलर्जी में है जो क्या सबसे पहले देखने को मिलता है, तो वो मिलते हैं ईसेनोफिल्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ईसेनोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस टू फेरनहीट। जब हम 40 डिग्री सेल्सियस को फेरनहीट में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 104। यहाँ पे आंसर आएगा बी 104। नेक्स्ट देखते हैं, अ चाइल्ड इज टू रिसीव 60 mg ऑफ फेनिटोइन। द मेडिकेशन इज अवेलेबल एज एन ओरल सस्पेंशन दैट कंटेंस 150 mg पर ml। तो यहाँ पे आपको ड्रग जो चाइल्ड का कैलकुलेशन होता है ड्रग मेडिसिन का, उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर मैंने नहीं बताया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। आप लोग प्लीज़ इसका सही आंसर है जो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ नर्स इंस्पेक्ट 2 डेज ओल्ड इंट्रावीनस साइट एंड आइडेंटिफाइज एरिथिमा वॉर्म एंड माइल्ड एडिमा। द क्लाइंट रिपोर्ट्स टेंडरनेस, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या करेंगे यदि किसी के लिए भी, तो जिस क्लाइंट के लिए 2 दिन से आईवी साइट पर एरिथमा देखने को मिल रहा है, गर्म है मीन्स वार्म है, माइल्ड एडिमा भी, और क्लाइंट कह रहा है कि उसको टेंडरनेस भी फील हो रही है, तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे। तो आप सबसे पहले है जो डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूज़न। तो यहाँ पे आंसर आएगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट शुड द नर्स टीच अ क्लाइंट हु इज़ टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव टू मिनिमाइज ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। एक जो पेशेंट है जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है, तो उसको आप ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए क्या एडवाइस करेंगे। तो आप उसके लिए ये कहेंगे कि सिट फॉर 5 मिनट बिफोर द स्टैंडिंग, क्योंकि जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन तभी होता है सडनली लेटे उठ जाए, तो उस टाइम पर आप पेशेंट को यही एडवाइस करेंगे कि सिट फॉर 5 मिनट्स बिफोर द स्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो एक पेशेंट है जिसके लिए कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है, तो उसके लिए आप क्या नर्सिंग केयर और नर्सिंग एक्शन लेंगे। तो आप उसका जो चेक द पल्स डिस्टल टू द पंचर साइट, तो यहाँ पे आंसर ये आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। अ नर्स इज परफॉर्मिंग कार्डियक कंप्रेशन ऑन एन एडल्ट क्लाइंट। हाउ फॉर मस्ट द नर्स डिप्रेस द लोअर स्टर्नम टू मेंटेन सर्कुलेशन अंटिल अ डिफिब्रिलेटर इज अवेलेबल। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, हाफ टू थ्री फोर्थ इंच। एक्चुअल में मैंने इसको गूगल में सर्च किया हुआ था, तो उसमें 1/3 इसका करेक्ट आंसर बता रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ नर्स रिपोजिशन अ क्लाइंट हु इज डायग्नोस्ड विद एम्फाइसीमा टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग। विच पोजिशन फैसिलिटेट मैक्सिमम एयर एक्सचेंज। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा वो होगा डी, सेमी फॉलोअर पोजिशन है जो प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि जो मैक्सिमम एयर एक्सचेंज है अच्छे से हो सके। नेक्स्ट आता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 36 आवर्स आफ्टर द इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब व्हाइल असेसिंग द फंक्शन ऑफ अ चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम नर्स आइडेंटिफाइज दैट द वाटर इन द अंडर वाटर सील ट्यूब इज नॉट मूविंग। वॉट इनिशलाइजेशन शुड द नर्स टेक। तो यहाँ पे आंसर आएगा वो होगा चेक द ट्यूब टू इंश्योर दैट इट इज़ नॉट लीक्ड। तो गाइज, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा घुमा फिरा के आए हुए। मैंने इस क्वेश्चन पेपर को इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मुझे मिले थे
उसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सही थे, बट उनका जो पैटर्न था वो डिफरेंट था, जिसके कारण मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे। इसीलिए मैंने जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बीएचयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाएगा, आप लोग प्लीज़ डाउनलोड करके इसको रख सकते हैं, जो भी आने वाले एग्जाम में उसमें आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। 36 ईयर ओल्ड मल्टी ग्रेविडा हु इज़ एट 14 वीक्स जेस्टेशन इज शेड्यूल्ड फॉर एन अल्फा फीटो प्रोटीन टेस्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो 36 ईयर ओल्ड मल्टी ग्रेविडा है उसको 14 वीक की जेस्टेशन है, 14 वीक्स का जेस्टेशन है, प्रेग्नेंट है वो, तो उसमें अल्फा फीटो प्रोटीन टेस्ट करवा रहे हैं डॉक्टर, शेड्यूल किया है। तो अल्फा फीटो प्रोटीन टेस्ट है किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो ये अल्फा फीटो प्रोटीन टेस्ट है होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट है हाउ डज अ नर्स आइडेंटिफाई ट्रू लेवर एज अपोज्ड टू फॉल्स लेवर। तो इसमें जो ट्रू लेवर है यहाँ पे पूछा कि फॉल्स लेवर के जो ट्रू लेवर पेन होता है फॉल्स लेवर से किस टाइप से डिफरेंट होता है, तो ये होता है सर्वाइकल डायलिटेशन इज प्रोग्रेसिव। तो जो ट्रू लेवर में सर्वाइकल डायलिटेशन है वो प्रोग्रेसिव होता है, बढ़ते जाता है धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लाइंट इज एडमिटेड टू द बर्थिंग सुइट इन अर्ली एक्टिव लेवर विच नर्सिंग एक्शन टेक्स प्रायोरिटी ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। तो एक क्लाइंट है जो एक्टिव लेवर अर्ली एक्टिव लेवर की सिचुएशन में है, तो एज अ नर्स आप सबसे पहले एडमिशन के टाइम पर क्या चेक करेंगे, तो आप सबसे पहले ऑस्कल्टेटिंग द फीटल हार्ट, यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट इज अ नर्स असेस द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्शन बाय टाइमिंग देम फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन। तो एक नर्स है जो फ्रिक्वेंसी चेक करेगी कॉन्ट्रैक्शन की, और जो टाइमिंग है उसका बिगनिंग से मीन्स स्टार्ट से, तो वो किस टाइप से है जो चेक करेगी कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये फॉल्स लेवर है या फिर ट्रू लेवर पेन है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा बी टू द एंड ऑफ अ सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। अ क्लाइंट मेम्ब्रेन रप्चर व्हाइल हर लेवर इज बीइंग ऑगमेंटेड विथ एन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन अ नर्स ऑब्जर्व वेरिएबल डिक्लेरेशन इन द फीटल हार्ट रेट ऑन द फीटल मॉनिटर स्ट्रिप व्हाट एक्शन शुड नर्स टेक फर्स्ट। तो एक नर्स है जो उसको जो लेवर ऑगमेंट करवाया गया इंड्यूस कराया गया ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन के थ्रू, तो आप जो फीटल हार्ट रेट है उसमें डिक्लेरेशन देखने को मिलेंगे फीटल मॉनिटर स्ट्रिप में, तो आप सबसे पहले जो क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा होगा प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एन इमीडिएट बर्थ, यहाँ पे आंसर आएगा फोर। नेक्स्ट आता है द प्राइमरी रीजन फॉर रैपिड कंटिन्यूस रिवॉर्मिंग ऑफ द एरिया अफेक्टेड बाय फ्रोस्ट वाइट इज। फ्रोस्ट वाइट में है जो अफेक्टेड एरिया है फ्रोस्ट वाइट के टाइम पे, तो आप उसको रिवॉर्मिंग क्यों करेंगे और इसका मेन रीजन है जो प्राइमरी रीजन है वो क्या होगा, तो वो होगा लेसन द अमाउंट ऑफ सेलुलर डैमेज, जो सेलुलर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ प्रीमिंग ग्रेविडा ड्यूरिंग लेबर व्हाट डज द नर्स ऑब्जर्व दैट इंडिकेट बर्थ इज अबाउट टू टेक प्लेस। तो प्रीमिंग ग्रेविडा में ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे है जो एक नर्स है जो क्या ऑब्जर्व करेगी और क्या इंडिकेशन उसको देखने को मिलेगा कि डिलीवरी होने वाली है, तो इसमें आंसर आएगा वो होगा डिकॉन्ट्रैक्शन अगर मोर फ्रिक्वेंटली आर स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट लॉन्गर। जो कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे वो बार बार आएंगे रिपीट होंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे और लास्ट लॉन्गर लंबे टाइम तक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। अ क्लाइंट एट 38 वीक्स जेस्टेशन इज एडमिटेड फॉर इंडक्शन ऑफ लेवर हर मेम्ब्रेन्स रप्चर 12 आवर्स अगो देयर आर नो अदर साइन ऑफ लेवर विच मेडिकेशन डज द नर्स एंटिसिपेट विल बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे एक जो फीमेल आई हुई है 38 वीक्स का जेस्टेशन है उसको इंडक्शन ऑफ लेवर मींस इन लेवर को इंड्यूस किया गया है, तो उसके लिए जो उसकी मेम्ब्रेन है वो 12 घंटे पहले ही रप्चर हो चुकी है 12 आवर्स एगो और उसमें किसी भी लेवर का साइन देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे एज अ नर्स, तो आप उसको देंगे ऑक्सीटोसिन, तो यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट आता है क्लाइंट इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी फॉर सीवियर प्रीक्लेम्सिया व्हाट इनिशियल साइन ऑफ टॉक्सिसिटी शुड अलर्ट द नर्स टू इंटरवेन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी जो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी है मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी, तो उसका जो उसके कारण जो टॉक्सिसिटी हो रही है वुमेन के लिए, तो जो टॉक्सिसिटी का साइन है वो क्या होगा, वो यहाँ पे पूछा है, तो होगा इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, तो यहाँ पे आंसर आएगा सेकेंड।
नेक्स्ट आता है क्लाइंट अराइव्ड एट द हॉस्पिटल 38 वीक जेस्टेशन विथ प्रोफ्यूज वेजाइनल ब्लीडिंग सी स्टेट दैट इज अकर्ड सडनली विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन विच कंडीशन में द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग दैट रिक्वायर्स इमीडिएट नोटिफिकेशन ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो यहाँ पे जो सिम्टम बताए गए हैं प्रोफ्यूज वेजाइनल ब्लीडिंग, तो यह किस चीज़ के सिम्टम है, रप्चर्ड यूट्रस के, तो यहाँ पे आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट इज फॉर अ पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट फॉलोइंग इज ट्रू। रोज ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो फर्स्ट और सही स्टेटमेंट है वो क्या होगा, वो होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, करेक्ट आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट इज हाउ चेस्ट कंप्रेशन इज गिवन इन अ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न में जो चेस्ट कंप्रेशन है वो किस टाइप से दिए जाएंगे, तो वो दिए जाते हैं यूजिंग टू फिंगर्स ऑन द मिडिल थर्ड ऑफ स्टर्नम, तो यहाँ पे आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट इज द ऑप्टिमल इंडिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी इन अ न्यूनेटल जॉइंटिस। तो ऑप्टिमल इंडिकेशन क्या है फोटोथेरेपी का, जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें ब्लूरूबिन का लेवल पूछा है कि कितना रहेगा जब फोटोथेरेपी यूज़ की जाए, तो वो होता है ब्लूरूबिन लेवल राइज अबव 5 mg/dL, 5 mg/dL से जब ब्लूरूबिन का लेवल ज़्यादा हो जाए उस टाइम पे यूनिट्स में फोटोथेरेपी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है वॉट रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के टाइम पर जो रूम का टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 24 to 26 degrees Celsius। यदि यही फ़ारेनहाइट में पूछे तो ये एग्जैक्ट फ़ारेनहाइट में होता है 72 degrees Fahrenheit। नेक्स्ट इज हाउ मच डिस्टेंस शुड बी मेंटेन फ्रॉम ब्ली लाइट टू न्यूनेट। तो जो डिस्टेंस होती है ब्ली लाइट टू न्यूनेट के बीच में वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए नॉट लेस देन 45 cm, मोर देन 50 cm से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन 50 cm और लेस देन 10 cm भी नहीं होनी, 10 cm से कम नहीं होनी चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और इसके आंसर के हिसाब से आंसर आएगा फोर्थ, नॉट लेस देन 45 cm। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स बेबी शुड पास द यूरिन ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था गाइस, क्योंकि जो नॉर्मल बेबी है जो नॉर्मली पास करते हैं यूरिन वो करते हैं 4 to 6 times per day, बट फोटोथेरेपी के टाइम पे एक्चुअल मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। नेक्स्ट आता है पेशेंट इज रिसीविंग पेरेंटल थेरेपी द IV ओवरडोज आर 400 ml। इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 27 को भी सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यदि मैं इसका गलत आंसर आपको बताऊंगी तो आप लोग कहेंगे कि मैम ने गलत आंसर बताया, इसलिए मैंने 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे इनको छोड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, अ 4-year-old चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज बीइंग ट्रीटेड विथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। नर्स रिव्यूज द लेबोरेटरी रिपोर्ट्स ऑफ द चाइल्ड्स यूरिन टू इवैल्यूएट इफ द ट्रीटमेंट हैज बीन इफेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग शुड डिक्रीज। तो एक जो पेशेंट है 4 साल का बच्चा है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसको ट्रीट किया जा रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के थ्रू, तो एक नर्स है जो उसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट्स है उनको रिव्यू करके देखेगी, उसका जो यूरिन है उसको इवेलुएट करके देखेगी, यदि ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो रहा होगा तो क्या है जो कम होगा, तो होगा प्रोटीन यूरिया, तो यहाँ पे आंसर आएगा फोर्थ, प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इज गिवन टू चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 6 years फॉर एवरी 3 months, करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, री एट्रीब्यूशन थेरेपी इज यूज्ड इन। तो ये सोमेटाइजेशन जो डिसऑर्डर होते हैं उनको ट्रीट करने में यूज होती है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज अ यंग लेडी प्रेजेंट विथ रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ एक्सरसाइज एंड ईटिंग फॉलोड बाय पर्किंग बाय यूज ऑफ लैक्सेटिव विच इज द डायग्नोसिस। तो जो यहाँ पे सिम्टम बताए जा रहे हैं सभी सिम्टम है बुल्मिया नर्वोसा के, ईटिंग डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे आंसर आएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32, अ 34-year-old फीमेल हैज 3 month हिस्ट्री ऑफ डिस्टर्ब स्लीप विथ अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग डिक्रीज्ड एपेटाइट लेथार्जी मल्टीपल बॉडी पेंस फीलिंग लो एंड वर्थलेसनेस मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इन द केस विल बी। तो ये जो भी यहाँ पे सिम्टम बताए गए हैं वो सभी डिप्रेशन के हैं, उसको ट्रीट करने के लिए एंटी डिप्रेजेंट मेडिसिन दी जाएंगी, तो यहाँ पे आंसर आएगा सेकंड। नेक्स्ट इज एन 11-year-old बॉय इज रेस्टलेस एंड हार्डली एवर सिट ऑन हिज सीट एंड रूम्स अराउंड द हॉल एंड होल ऑफ द क्लास हैज डिफिकल्टी टू कॉन्सेंट्रेट दिस बॉय इज सफरिंग फ्रॉम।
ये जो यहाँ पे 11 साल के बच्चे की स्टोरी बताई है कि रेस्टलेसनेस फील हो रहा है उसको हार्डली, वो एक जगह पे शांति से नहीं बैठ पा रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है पूरी क्लास में, एक जगह कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा है, तो उसको कौन सी बीमारी है? तो उसको है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम, 16 ईयर ओल्ड मेल ऑन IQ टेस्टिंग हैज मेंटल एज ऑफ 9 ईयर्स ही हैज़। तो उसको एक जो बच्चा है या फिर एक ओल्ड मेल है 16 साल का, उसका जो IQ टेस्ट किया गया तो उसकी जो मेंटल एज है वो 9 साल है, तो जो 9 साल उसकी मेंटल एज बताई गई उसके हिसाब से IQ लेवल है जो, और मेंटल रिटार्डेशन किस टाइप की मेंटल रिटार्डेशन होगी, तो होगी माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, जो मेंटल जो IQ लेवल है वो चेक करते हैं हम, मॉर्फोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो यहाँ पे इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल एज है, सॉरी जो मेंटल एज है वो कितनी है 9 साल, और जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो कितनी है 16 साल। इनको 100 से गुणा करते हैं तो 56 आता है, और जो नॉर्मल मेंटल जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन का जो IQ लेवल होता है वो होता है 52, 55 से लेके 70 तक। तो इसकी जो नॉर्मल IQ लेवल आया है वो आया है 56, तो इसके हिसाब से इसका आंसर आएगा माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट इज द एल्कोहल सेंसिटाइजिंग ड्रग दैट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म, तो ये किसके लिए यूज़ होता है, होता है डाइसल्फ्राम के लिए, तो यहाँ पे आंसर आएगा सेकेंड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजिशन फॉर वेंटिलेटेड पेशेंट टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, कौन सी पोजीशन है जो प्रोवाइड की जाएगी पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए, तो वो होगी सेमी रिकमेंड पोजीशन, करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, हाउ ऑफन ओरल केयर बी प्रोवाइडेड टू वेंटिलेटेड पेशेंट, जो वेंटिलेटेड पेशेंट है उसको किस टाइप की ओरल केयर है जो प्रोवाइड की जाएगी और कब कब प्रोवाइड की जाएगी, तो वो दी जाएगी जनरली 4 to 6 आवर में, तो यहाँ पे आंसर आएगा सेकेंड। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग टू वेंटिलेटेड पेशेंट, वेंटिलेटेड पेशेंट के लिए कितना कितने बार है जो सक्शनिंग कर और कितना ड्यूरेशन यूज करते हैं, सॉरी यहाँ पे ड्यूरेशन पूछा है, कितने ड्यूरेशन तक सक्शनिंग कर सकते हैं, तो वो होगा 10 to 15 सेकेंड, करेक्ट आंसर आएगा 10 to 15 सेकेंड, नॉट एक्सीड 15 सेकेंड, 15 सेकेंड से ज़्यादा है जो सक्शनिंग नहीं कर सकते हैं वेंटिलेटेड पेशेंट में। नेक्स्ट आता है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लेट करता है, तो वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लट क्लॉट फॉर्मेशन, जो ब्लड में जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है उसके लिए क्या है जो जरूरी नहीं है, तो वो है फाइब्रिनोजन, आंसर आएगा यहाँ पे फोर्थ। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट, नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट है ऐसे नोट, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, तो ह्यूमन बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कहाँ पर रहती है, तो ये रहती है ब्रेन में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेन। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन बॉडी ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन, तो ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होता है, तो होता है लिवर में, करेक्ट आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एक्सपायर्ड एयर इज अबाउट, तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है एक्सपायर्ड एयर में, तो वो होता है 60%, 16%। नेक्स्ट इज इंट्राओर्टिक बलून पंप इज यूज्ड फॉर, तो आई इंट्राओर्टिक बलून पंप है किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये होता है डायस्टोलिक इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट इज द अपेंडिक्स इज लोकेटेड इन, अपेंडिक्स है जो कहाँ पर स्थित होती है यहाँ पे पूछा है, तो वो होती है लेफ्ट इलियक फोसा, करेक्ट आंसर इज थर्ड। सॉरी गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा द राइट इलियक फोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, फॉर अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज पेशेंट इन ICU फॉलोइंग इज प्रिफर्ड डिवाइस फॉर ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, तो एक पेशेंट है जिसको COPD है और ICU में एडमिट है, तो उसके लिए कौन सी डिवाइस है जो यूज़ की जाएगी ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन के लिए, तो वेंचूर मास्क, क्योंकि इससे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो होता है 100% ऑक्सीजन है जो प्रोवाइड की जाती है, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा होगा थर्ड, वेंचूर मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, द पर्पस ऑफ कफ इन एंडोट्रैकियल ट्यूब इज टू, तो एंडोट्रैकियल ट्यूब में जो कफ यूज़ होता है उसका क्या मेन पर्पस होता है, तो वो होता है प्रोवाइड एयर टाइट सील इन ट्रैकिया।
Next is for tracheal tube insertion in a newborn, following is the combination of tube and laryngoscope blade. तो यहाँ पर जो laryngoscope blade है और ट्यूब है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा वो पूछा है यहाँ पे, तो होगा अनकफ्ड ट्यूब एंड कर्व्ड ब्लेड. करेक्ट आंसर इज डी. फोर्थ गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो 120 क्वेश्चन है उसमें से यदि बाई मिस्टेकन कुछ दो या तीन क्वेश्चन है जो यदि बाई मिस्टेकन गलत हो जाए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उनको कोशिश करूँगी कि फिर से सॉल्व करा सकूँ आपके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50. अ पेशेंट प्रेजेंट टू एमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ अ कंप्लेंट ऑफ वाटरी डायरिया फॉर द पास्ट 3 डेज. असेसमेंट फाइंडिंग इंक्लूड ब्लड प्रेशर इज 100/60, पल्स 98 एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन. सो द हेल्थ केयर प्रोवाइडर वुड एंटिसिपेट आईवी थेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूड. तो कौन सा फ्लूड है जो यूज़ किया जाएगा उस पेशेंट को डायरिया पास्ट 3 डेज से वाटरी डायरिया. तो यहाँ पर आंसर आएगा बोगस हाइपोटोनिक क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन. नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इंसुलिन के नेवर बी मिक्सड विथ अनदर. कौन सा इंसुलिन है जो दूसरे इंसुलिन के साथ कभी भी मिक्स नहीं होता है, तो वो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन. करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकेंड. नेक्स्ट द अर्लीस्ट आइडेंटिफाइंग साइन ऑफ डेवलपिंग प्रेशर सोर एट स्किन इज लोकलाइज्ड. तो चेंज कलर है स्किन का वो चेंज होगा, ये फर्स्ट साइन है. नेक्स्ट विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट टू हेल्प प्रिवेंट एटलेक्सिस इन अ क्लाइंट विथ फ्रैक्चर रिप्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेस्ट ट्रॉमा. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो होगा इनकरेजिंग कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग. नेक्स्ट इज द आर्टेरियल ब्लड गैस ऑफ अ पेशेंट विथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज डिटोरिएट एंड रेस्पिरेटरी फेलियर इज इम्पेंडिंग फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स असेस फर्स्ट. तो इसमें सबसे पहले नर्स क्या असेस करेगी, साइनोसिस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55. अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर अ सिग्मोइडोस्कोपी. What instruction should the nurse provide the client is preparation for the diagnostic procedure. तो यहाँ पे as a nurse सबसे पहले क्या चेक करेगी, किसी पेशेंट को सिग्मोइडोस्कोपी होना है तो सबसे पहले have an enema at morning of the test. जो टेस्ट होना है सिग्मोइडोस्कोपी उसके पहले है जो एनीमा दिया जाएगा ताकि कोलोन को है जो खाली किया जा सके. नेक्स्ट आता है द एंटीडॉट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट. तो मैग्नीशियम सल्फेट के लिए क्या एंटीडॉट है, वो कैल्शियम ग्लूकोनेट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू रिवर्स द एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. कौन सी मेडिसिन है जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट यूज होती है, तो वो है पाइरिडॉक्सामाइन. नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ टाइप सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट. यहाँ पे टाइप हाइपर सेंसिटिविटी के सभी मैकेनिज्म है बट किसी एक को छोड़कर एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा है, तो वो है सी कॉम्प्लीमेंट एंड एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लामेशन, क्योंकि ये टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का कारण है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59. द कंटेंट ऑफ ORS इंक्लूड्स. तो ORS के जो कंटेंट हैं वो क्या हैं, तो है सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड ट्राइसोडियम सिट्रेट ग्लूकोज और वाटर. सो करेक्ट आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रोटोकॉल फॉर कलेक्शन ऑफ यूरिन फॉर रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. के तो इसके लिए रैंडम सैंपल कलेक्शन. नेक्स्ट इज हीमोफीलिया ए इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ. तो हीमोफीलिया ए है जो किसकी डेफिशियंसी के कारण होता है, तो ये होता है फैक्टर 8वें जो फैक्टर 8 है उसके कारण होता है. तो यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 62. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड. इनमें से एसेंशियल फैटी एसिड है जो कौन सा है, तो यहाँ पे एसेंशियल फैटी एसिड है वो लिनोएक एसिड. तो यहाँ पे आंसर आएगा सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंसर्निंग फीटल हीमोग्लोबिन. तो फीटल हीमोग्लोबिन को लेके यहाँ पे करेक्ट पॉइंट है जो वो क्या है, तो यहाँ पे जो फीटल हीमोग्लोबिन को लेके करेक्ट पॉइंट यहाँ पे पूछा है वो है HbF is composed of 2 alpha and 2 gamma subunit. तो फीटल हीमोग्लोबिन की जो
चेन होती है वो दो अल्फा और दो गामा सब यूनिट्स की बनी होती है। करेक्ट सेंटेंस है फीटल हीमोग्लोबिन को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 64। इसका आंसर मैंने नहीं बताया है, अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होगा फर्स्ट, बट मैं यहाँ पे किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 65। क्वेश्चन नंबर 65, अ 25 ईयर फीमेल प्रेजेंट विद रिपीटेड वॉमिटिंग इन सेवरल एपिसोड्स ऑफ लो ग्रेड फीवर। ऑन एग्जामिनेशन सी वॉज इक्ट्रिक एंड हैड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। सी ऑल्सो गिव्स हिस्ट्री ऑफ रिसेंटली रिटर्निंग फ्रॉम द एरिया वेयर सी हैड पुअर हाइजीनिक एंड सैनिटरी कंडीशन। वट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो यहाँ पे एक 25 साल की फीमेल है, उसको बार बार वॉमिटिंग हो रही है और बार बार फीवर आ रहा है, लो ग्रेड फीवर आ रहा है, और उसका जो एग्जामिनेशन किया गया है उसमें राइट अपर क्वाड्रेंट पेन भी हो रहा है उसको, और उसने हिस्ट्री में भी बताया कि जिस एरिया से आई है वहाँ का जो हाइजीन है वो अच्छा नहीं है, पुअर हाइजीन है, और सैनिटरी कंडीशन भी ठीक नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू उसकी जो सिचुएशन उसने बताई है क्या डायग्नोस होगा, तो उसको होगा एंट्रिक फीवर और टाइफॉइड फीवर। तो यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट, एंट्रिक फीवर। नेक्स्ट आता है इम्यूनोग्लोबिन दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड रीच द फीटल सर्कुलेशन। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटल सर्कुलेशन तक पहुँचता है, तो वह IgG। तो यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 67। ग्रेन्यूलोमेटस ऑर्चाइटिस इज द टर्म अप्लाइड फॉर द इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिया इज क्लिनिकल फीचर ऑफ, तो ये रेबीज का क्लिनिकल फीचर है, पानी से डर लगता है जिसमें। नेक्स्ट आता है इंटरडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट, इंटरडर्मल इंजेक्शन है 15 degree एंगल पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाइल टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम रेक्टल रूट इन चिल्ड्रन थर्मामीटर शुड बी इंसर्टेड अबाउट। तो जब रेक्टल रूट के थ्रू किसी भी बच्चे का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो जो थर्मामीटर है वो कितना इंसर्ट किया जाता है, तो वो इंसर्ट किया जाता है 1 inch, 1 inch ही इंसर्ट किया जाता है। जब यदि बच्चा लेस देन 3 month ओल्ड हो तो उसको 0.5 inch इंसर्ट किया जाता है, बट यहाँ पे एक्चुअल एज नहीं पूछी, चिल्ड्रन बताया गया है, तो वो 1 inch होगा। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इज ऑब्जर्व फॉर, तो जो पोस्ट ऑपरेटिव वुंड होते हैं किसी भी सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद जो वुंड होते हैं उनको ऑब्जर्व क्यों किया जाता है, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर किसी भी टाइप का ड्रेनेज ना हो। यहाँ पे आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट इज व्हेन अ नर्स इज परफॉर्मिंग अ सर्जिकल हैंड हाइजीन सी मस्ट कीप हैंड्स, तो उसको जो हैंड है वो बिलो द एल्बोज ही क्लीन करने हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा सेकंड। नेक्स्ट आता है फीटल हार्ट रेट कैन बी ऑस्कल्टेड विद अ फीटोस्कोप एट 20 weeks ऑफ जेस्टेशन। करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट इज द एजेंट यूज्ड टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनन ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट। कौन सा डिसइंफेक्टेड एजेंट यूज़ किया जाता है HIV पॉजिटिव पेशेंट के लिनन को क्लीन करने के लिए, तो वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड है जो HIV पॉजिटिव पेशेंट के लिनन है उनको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो जो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी मेडिसिन है जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है प्रेगनेंसी में, तो वो है एनाल्प्रिल, AC इनहिबिटर्स हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस MRSA के लिए कौन सी मेडिसिन है जो यूज़ की जाएगी, तो वो होगी वैंकोमाइसिन। करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल पोजिशन ऑफ यूट्रस। जो नॉर्मल पोजिशन ऑफ यूट्रस है वो क्या, एंटीबायोटेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन से विटामिन इन्वॉल्व होते हैं, तो वह विटामिन K। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट इज लैक्टोज इज कम्पोज्ड ऑफ फॉलोइंग 2 sugars। जो लैक्टोज हैं वो किन दो टाइप की शुगर्स से मिलके बने हुए होते हैं, तो बने होते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइड इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन। तो फेनिटोइन का साइड इफेक्ट इनमें से क्या है, तो उसमें गम ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आंसर आएगा सेकंड, गम हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट इज आफ्टर गिविंग BCG स्कार गेट्स फॉर्म्ड इन। तो BCG के बाद जो स्कार है वो कब देखने को मिल, एक्चुअल में जो स्कार है जो कब बनता है, वो बनता है 3 to 6 months में, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 4th, 2 months।
Next is, what is the color of peripheral venous cannula of 16 gauge? तो peripheral venous cannula 16 gauge का है, तो उसका color क्या होगा? तो बोलते हैं grey color के, तो यहाँ पे answer आएगा fourth. Next is vector of कालाजार, तो कालाजार के vector क्या है? वो sandfly, तो correct answer is third. Next is antidote for heparin, तो heparin के लिए क्या antidote है? तो वो protamine sulfate, correct answer आएगा second. Next is, which of the following is used to assess the level of consciousness? तो consciousness के level को check करने के लिए क्या use होता है? तो वो था Glasgow Coma Scale. Next is, endoscopic instrument are sterilized by, तो एक किसके द्वारा sterilize किए जाते हैं? तो ये होते हैं 2% glutaraldehyde, correct answer is third. Next is, hemolysis maneuver is used for, तो किस चीज को के लिए use किए जाते हैं? तो ये होते हैं removal of foreign body from the trachea. Next is, for tracheal intubation of child of 6 years, uncupped tracheal tube of following size would be appropriate. एक 6 साल का बच्चा है, उसके लिए tracheal intubation होना है, तो uncupped tracheal tube उसकी size कितनी appropriate size है, जो कितनी use की जाएगी? तो वो होगी 5.5 mm ID, जो internal diameter होगा वो होगा 5.5. 4 to 7 year के जो बच्चे हैं उनमें 5 to 5.5 mm ID की ट्रैकियल इंट्यूबेशन होता है. नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एंड हीट स्ट्रोक, तो हीट स्ट्रोक में क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा? तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा, जो हीट स्ट्रोक में जो टेम्परेचर है वो अब 104 जाता है 40 डिग्री सेल्सियस के, तो उसमें आइस कोल्ड वाटर स्पॉन्जिंग, इससे सडनली उसका टेम्परेचर है जो कम होने लगेगा. नेक्स्ट आता है, वॉट इज द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रीथ इन एडल्ट रेसुसिटेशन? एडल्ट रेसुसिटेशन में चेस्ट कंप्रेशन है जो कितना होगा, रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रीथ, तो वो होगा 3/2, करेक्ट आंसर इज थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें गाइस मैंने कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं किए हुए हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि मैं यदि आपको एक भी आंसर गलत दूंगी तो आपके जो आपने जिन भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया हो या फिर नहीं भी दिया उनका बहुत ज़्यादा लॉस होगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 है, क्लाइंट हु हैड सेवरल एपिसोड्स ऑफ चेस्ट पेन इज शेड्यूल्ड फॉर एन एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन काउंसलिंग द क्लाइंट? तो एक जो पेशेंट है उसको बार बार चेस्ट पेन हो रहा है एक्सरसाइज के टाइम पर, तो उसका जो एक्सरसाइज के बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाया जाएगा, तो उसमें उसको क्या बताया जाएगा कि आपका ये ECG है जो क्यों करवाया जा रहा है? यहाँ पे आंसर आएगा वो होगा बी, दिस टेस्ट इज अ डेफिनेटेड मेथड टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल कॉज ऑफ योर चेस्ट पेन, करेक्ट आंसर है सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92, एन एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी इज परफॉर्म्ड ऑन अ क्लाइंट विथ मेलेना एंड गैस्ट्रिक कैंसर इज डिस्कवर्ड, अ पार्शियल गैस्ट्रेक्टॉमी इज परफॉर्म्ड एंड जेजनेस्टोमी ट्यूब इज सर्जिकली इम्प्लांटेड, अ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब टू सक्शन इज इन प्लेस, व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइंट्स नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब ड्रेनेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर द सर्जरी? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा वो होगा सी, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रैंक ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इज फॉल्स? तो AMR को रिलेट करता है वो कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ए, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट हैपन व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेंज व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू माइक्रोबियल ड्रग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, अ क्लाइंट मेम्ब्रेन्स स्पॉन्टेनियसली रप्चर ड्यूरिंग एक्टिव लेवर, द नर्स इंस्पेक्ट द पेरिनियम एंड डिटरमिनेट द अम्बिलिकल कॉर्ड इज नॉट विजिबल, व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग केयर? तो नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन होगा वो होगा चेक द मेटरनल वाइटल साइन, करेक्ट आंसर इज फोर्थ. नेक्स्ट इज, अ पेरेंट टेल द नर्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट माई 3-year-old बेबी हैज हैड फीवर फॉर सेवरल डेज एंड हैज बीन वॉमिटिंग, आफ्टर इंस्टीट्यूटिंग ऑर्डर मेजर्स टू रिड्यूस द फीवर, व्हाट नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन होगा वो मॉनिटर वाइटल साइन 6 अवरली. नेक्स्ट इज, अ पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ आर्टरियल फिब्रिलेशन फॉर 3 डेज इज एडमिटेड द कार्डियक यूनिट बिसाइड इनिशिएटिंग एंटी डिसअर्थनिया मेडिकेशन, विच ऑर्डर शुड द नर्स एंटिसिपेट? इसका क्वेश्चन, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी छोड़ा है. टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, उसमें मैंने एटलीस्ट 10 क्वेश्चन हैं जिनको छोड़ा हुआ है,
मुझे जैसे इनके आंसर पता होंगे मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट आता है बर्थ डेट ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ डेट क्या है, तो वह 12 मई 1820। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, वो देहरादून। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एक्सिस्टेंस इन द ईयर, तो ये कब आया था, आया था 1995 में, 1995 में। नेक्स्ट पंचायती राज कम्स अंडर, तो पंचायती राज में वो आते हैं रेसिडुअल लिस्ट में, करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मीन्स लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशियन है वर्ल्ड में, तो वह पैसिफिक, करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज, तो लोकसभा के जो फर्स्ट स्पीकर थे वो कौन थे, वो थे जी भी मावालंकर, गणेश वासुदेव मावालंकर। नेक्स्ट आता है ऑन मई 24, 2019 द WHO सर्टिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज मलेरिया फ्री, तो 24 मई 2019 को WHO ने किस कंट्री के लिए मलेरिया फ्री होने का सर्टिफाइड किया था, तो वो थी अल्जीरिया और अर्जेंटीना, तो यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल डॉक्टर्स हैज वॉन ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018-2019 अवार्ड, किस मेडिकल किस डॉक्टर को अभी रिसेंट में ही 2018-2019 में ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो वो अभी रिसेंट में ही मिला है डॉक्टर हेमा दिवाकर को, बेंगलोर बेस्ड डॉक्टर है हेमा दिवाकर, जिनको अभी ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर 2018-2019 के लिए अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आता है सशक्व अवार्ड 2019 फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वाज कन्फर्ड टू, तो ये अभी किसको मिला है, मिला है प्रमोद कुमार मिश्रा को, तो यहाँ पे आंसर आएगा सेकंड, पीके मिश्रा। नेक्स्ट आता है इन मई 2019 द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अवार्डेड प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम टू, मई 2019 में US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड किसको दिया है, तो ये दिया टाइगर वुड्स के लिए, तो यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है ऑन अप्रैल 25, 2019 हु रिलीज्ड WHO रिलीज न्यू गाइडलाइंस ऑन, सॉरी, तो यहाँ पे इसका भी जो एग्जाम जो अकॉर्डिंग टू WHO की गाइडलाइन इन्होंने अप्रैल 25 में कुछ गाइडलाइन इन्होंने 17 फरवरी को रिलीज़ किए, कुछ जून में रिलीज़ किए, बट 25 अप्रैल की जो एग्जैक्ट गाइडलाइंस है मुझे नहीं पता, यदि आपको पता हो तो आप लोग प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट आता है रिसेंटली लॉन्च्ड योगो लोकेटर ऐप इज़ टू हेल्प पीपल लोकेट, तो ये किसके लिए रिलीज़ की है, तो ये हुई है योगा सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए ऐप लॉन्च। नेक्स्ट आता है इन मई 2019 द फॉलोइंग कंट्री अनवील वेल बीइंग बजट फॉर इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ सर्विस एंड रिमूविंग पॉवर्टी, तो मई 2019 में किस कंट्री ने है जो वेल बीइंग बजट को लॉन्च किया है फॉर द इम्प्रूविंग ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस एंड रिमूविंग पॉवर्टी, तो ये भी न्यूजीलैंड ने रिलीज़ किया है मई 2019 में, तो इसके आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल हेल्थ कन्वरेज लीविंग नो वन बिहाइंड इज़ द थीम ऑफ, तो ये जो सेशन WHO का 72वां सेशन था, 72 सेशन था, उसमें इन्होंने थीम लॉन्च की है। नेक्स्ट है हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली के रिसेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, वो है अनिल बाइजाल। नेक्स्ट है बजरंग पुनिया ऑफ इंडिया एसोसिएटेड विथ, तो बजरंग पुनिया है जो किस खेल से रिलेट करते हैं, तो रिलेट करते हैं रेसलिंग से। नेक्स्ट आता है इन इंडिया संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम, तो ये फुटबॉल से रिलेट करती है संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट आता है बिटवीन 2010 एंड 2019 इंडिया पॉपुलेशन ग्रू एट एन एवरेज एनुअल रेट ऑफ, तो 2010 से लेके 2019 में के बीच में जो इंडिया की पॉपुलेशन किस एवरेज एनुअल रेट के थ्रू इसमें ग्रोथ हुई है, बढ़ी है, तो वो बढ़ी है 1.2%, करेक्ट आंसर आएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 115 पीपल हु आर बॉर्न डीफ आर यूजुअली अनेबल टू टॉक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर दिस इज, इसके लिए जो भी लोग हैं जन्म से ही डीफ हैं और बात करने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम है, तो उनके लिए यहाँ पे आंसर आएगा वो दे कैन नॉट हियर देमसेल्फ स्पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है क्वेश्चन नंबर 116 टीना हु इज 16 ईयर ओल्ड इज 4 times एज ओल्ड एज हर ब्रदर, हाउ ओल्ड सी वी वैन सी इज 2 times एज ओल्ड एज ही, तो यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 24।
नेक्स्ट हम देखते हैं विच वर्ड इज ऑफ डिफरेंट क्लास, इनमें से कौन सा वर्ड है जो डिफरेंट है, तो वो है सर्किल, क्योंकि स्क्वायर में ट्राइंगल रेक्टेंगल तीनों एक ही, इनका शेप बस चेंज होता है, बस सर्कल है पूरा गोल हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन व्हाट इज 1/3 ऑफ 3/5, तो इसमें 1/3 ऑफ 3/5 क्या है, इसमें इसका आंसर आएगा होगा 0.2, करेक्ट आंसर आएगा इसमें सेकेंड। नेक्स्ट आता है विच कम्स फर्स्ट इन द डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आएगा, वो आएगा ऑलवेज, क्योंकि अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्मोक, तो यहाँ पे आप लॉजिक लगाइए कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं उसमें किसी भी टाइप का धुआं नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा नन ऑफ दी अबव। गाइस टोटल 120 क्वेश्चन से, यदि आपको तो बचे हुए क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आपको उनका आंसर पता हो देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।